नमस्कार, आप सभी को मीडिया डिक्शन दी के 3 वर्ष संपूर्ण होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मीडिया डिक्शनरी में प्रोफेसर भावना पाठक मैम और आदरणीय प्रोफेसर रामजी लाल जांगीर सर ने यह बहुत ही सराहनीय कदम उठाया, जिससे एक आम नागरिक, आम मनुष्य, साधारण व्यक्ति तक मीडिया की पहुंच आज इस प्रयास से संभव हो पाई है। मीडिया डिक्शनरी ने बहुत से मीडिया की टर्म, पत्रकारिता के विषयों को, जनसंचार के विषयों तक को एक आम मनुष्य तक पहुंचाया है। एक छोटा सा आज बच्चा बच्चा आज मीडिया की टर्म से अवगत हो पाया है, क्योंकि इस मीडिया डिक्शनरी ने जो मीडिया की टर्म्स हैं उनको लोगों की अपनी बोली, अपनी भाषाओं में लोगों तक पहुंचाया है, जिससे यह मीडिया की जो जानकारी है, मीडिया के संबंध में लोगों का जो ज्ञान है, वो लोगों को अपनी बोलियों में, अपनी भाषाओं में मिला है। ऐसे बहुत से जगह है भारत में, ऐसे बहुत से स्थान हैं, गांव हैं, वहाँ पर लोगों को हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा नहीं आती है। वे अपनी जो भाषा है वो सिर्फ अपनी पारंपरिक भाषा है, अपनी जो बोली है, अपने जो गांव की बोली है, वो सिर्फ उन्हें ही जानते हैं। अन्य भाषाओं व बोलियों को वो नहीं जानते हैं। और मीडिया डिक्शनरी ने उन मीडिया की शब्दों को, मीडिया के ज्ञान को लोगों को उनकी, लोगों की आम भाषा में, उनकी अपनी बोलियों में उन तक अपने विचार साझा किए हैं, उनको आम भाषा में उनको बताया है, जिससे लोगों को, जो एक साधारण व्यक्ति है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, वह भी मीडिया के ज्ञान से अवगत हो पाया है। इस प्रयास के लिए मैं प्रोफेसर भावना पाठक मैम, आदरणीय प्रोफेसर रामजी लाल जांगीर सर को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। उन्हों का यह सराहनीय कदम, यह मीडिया डिक्शनरी का प्रयास दिनों दिन आगे बढ़े, दिन दोगुनी, रात चौगुनी तरक्की करे। इसी के साथ हमें अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। यह हम सभी मीडिया डिक्शनरी के परिवार के लिए एक सौभाग्य की बात है, एक गर्व की बात है कि आप सभी ने हमें इस प्रकार का अवसर दिया, मीडिया डिक्शनरी से जुड़ने का हमें मौका दिया।